उसकी स्टडीज पे इफेक्ट तो नहीं आएगा? जिस तरह इस आड़े वक्त में तुमने हमारा साथ दिया है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। खैर तो है, कारून की कब्र तो नहीं खोद डाली, हर वक्त पटवा भरा रहता है। ये पॉसिबल है कि आज की मुलाकात के बाद मैं करीम को वापस करने जाऊं? अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है प्यास में। पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फैज के वालिदे की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है। वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है प्यास में। पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फैज के वालिदे की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है? वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है प्यास में। पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फैज के वालिदे की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है? वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है प्यास में। पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फैज के वालिदे की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है? वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है प्यास में। पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फैज के वालिदे की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है? वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा उपाय कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं हमका आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को इस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बेटे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा उपाय कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को इस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटन में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा उपाय कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को इस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटन में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा उपाय कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को इस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटन में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा उपाय कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को इस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटन में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा उपाय कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दे, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को इस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटन में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस से जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस से जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस से जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस से जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस से जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस से जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतनी इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हरीम को उस घर से भेजने के लिए वो सिर्फ सिर्फ अपनी चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फयाज, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फयाज के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से आए, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे, वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फयाज, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फयाज के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से आए, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे, वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फयाज, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फयाज के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से आए, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे, वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फयाज, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फयाज के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से आए, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे, वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फयाज, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फयाज के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से आए, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे, वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरे खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फयाज, क्योंकि पहले तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फयाज के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से आए, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे, वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस पर जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़ क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को उस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बटवे में तो पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को इस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बेटे में इतना पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताए बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को इस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बेटे में इतना पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को इस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बेटे में इतना पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हरीम की माँ की तबीयत अचानक ख़राब होती है, वो किसी को भी बताया बगैर चली जाती है हॉस्पिटल। क्या हरीम की माँ बच पाएगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे हरीम को लेकर चला ही जाता है फ़ियाज़, क्योंकि पहले तो उसे घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा कोपाई कर लिया होता है घर के कामों में, लेकिन जब उसे लेकर जाता है तो कहते हैं अंकल आदमी से वापस ले जाऊँगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाना शुरू हो जाता है। और फ़ियाज़ के वालिद की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये ऑफिस आना शुरू हो गया तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। उसकी माँ कहती है इसे आप ऑफिस जाने दें, कि जितना ऑफिस जाएगा और स्टडी पर तवज्जो देगा उतना ही इसकी हरीम पर से तवज्जो हटती चली जाएगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हरीम को इस घर से भेजने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चाले चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नासिर की माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारे बेटे में इतना पैसे कहाँ से है, वो सारे पैसे हरीम से ले रहा होता है ब्लैकमेल करके। क्या फैज़ को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्यों हरीम देती है उसको पैसे? वो तो फिर एक वीडियो बना लेता है